जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर की तरह लाहौर में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में 64वें रोज भी एहतजाज जारी रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि 35 साल पहले खरीदी गई प्राइवेट प्रॉपर्टी में मीर सहाफत मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मीडिया को झुकाना है। हम मीर शकीलुर रहमान की इस इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही नारा रह जाता है कि हम आला अदालतों से कहें कि वो अपना आईनी किरदार अदा करते हुए मीर शकीलुर रहमान की हबसे भेजा के खिलाफ अस खुद नोटिस लें और मीर शकीलुर रहमान को बज़्ज़त तौर पर रिहा करें। एहतजाजी कैंप में शरीक अफराद का कहना था कि इल्ज़ाम साबित हुआ न केस रजिस्टर्ड हुआ, फिर भी मीर शकीलुर रहमान पाबंद सलासल, ये कैसा इंसाफ है। साफी पुरअज़्म है और आज़ादी सहाफत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर।